बिहार चुनाव को संपन्न हुए 2 महीना पूरा होने जा रहा है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने की वजह से सूबे में सियासत तेज हो गई है। सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में आरजेडी का बड़ा बयान सामने आया है। आरजेडी नेता श्याम रजक ने कहा कि जेडीयू के 17 विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं। जल्द ही जेडीयू में बड़ी टूट हो सकती है। श्याम रजक का कहना है कि अगर जेडीयू के विधायक आरजेडी में शामिल होते हैं तो उनको बहुत फायदा होगा। ऐसा करने के लिए जेडीयू के विधायक इतनी जल्दबाजी में हैं कि उनको तारीख और समय की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि जो खुद जेडीयू पार्टी को तोड़ने के लिए तैयार हैं, तो ऐसे में दूसरों को तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। उनके पार्टी में कोई जाकर क्या करेगा। अगर जेडीयू के विधायक हमारी पार्टी में आते हैं तो उनको लाभ भी होगा। जेडीयू 71 सीट से 43 सीट पर आ गई है। जो शक्तिहीन व्यक्ति है वह किसी दूसरे को कैसे सपोर्ट कर सकता है। गौरतलब है कि बिहार में भाजपा और जेडीयू के बीच चल रहे नाराजगी के बीच आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार को बड़ा ऑफर दिया था। आरजेडी नेता उदय नारायण चौधरी ने कहा था कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़ते हैं और तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनाते हैं तो विपक्ष उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेगा। आपको बता दें कि अरुणाचल में जेडीयू के 6 विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद बिहार में जेडीयू और भाजपा के बीच की खाई और भी बढ़ गई है।